आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बैड न्यूज मूवी का। तो मूवी की स्टोरी सलोनी की है, जो प्रोफेशन से एक शेफ है और उसी शेफ का ऑस्कर यानी मेरा की अवार्ड जीतना है, पर फिर उसकी शादी विकी कौशल से हो जाती है क्योंकि सलोनी को वैसा ही बंदा चाहिए था। पर विकी निकलता है अपनी माँ का लाडला, जिससे इनमें होने लगते हैं हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े। अब सलोनी की यही प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपने प्रोफेशन पर भी ध्यान देना है और वो शादी के बाद अपने प्रोफेशन में फोकस नहीं कर पाती, इसलिए वो डाइवोर्स ले लेती है और अपने करियर को पूरा करने के लिए मसूरी चली जाती है। वहाँ होटल के मालिक के साथ इसका वन नाइट स्टैंड हो जाता है और वहीं कुछ घंटों बाद अपने एक्स पति के साथ भी। फिर ये प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसमें ट्विन सलोनी की कोख में होते हैं और ट्विस्ट यहाँ आता है कि दोनों ही मर्दों के अलग अलग बच्चे एक ही कोख में पल रहे हैं। फिर इस मूवी में ये दोनों मर्द अपने बच्चों और बीवी का हक लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हैप्पी एंडिंग। तो ये मूवी की स्टोरी। बात करें डायरेक्शन की, तो सच बताऊं तो मूवी ने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया, चाहे आप स्टोरी की बात कर लो जो पहले से ही ट्रेलर में रिवील कर दी थी, पर जो प्रेजेंटेशन भी है वो भी मूवी की काफी डिसेंट और बोरिंग तरीके से की गई है। मतलब ना तो मूवी की कॉमेडी वर्क करती है और ना ही ड्रामा। अब मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था, जिसमें अच्छी कॉमेडी हो सकती थी, पर मेरे लिए बस ये एक बकचोदी की तरह ही रही, जिसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लोग कहेगी कि मूवी इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, बहुत लोगों का टेस्ट कुछ अलग तरीका का होता है, तो उन्हें मूवी अच्छी लग सकती है। तो मेरे लिए मूवी एक डिसेंट वॉच ही रही, जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगा। चाहे आप कैरेक्टर के बीच की बॉन्डिंग देख लो या फिर कॉमेडी जो फोर्सफुली लगती है। साथ ही मूवी का क्लाइमेक्स इमोशनली अच्छा है, पर पहली वाली मूवी जितना नहीं। क्लाइमेक्स के बाद भी एंडिंग देने के लिए कुछ अच्छा किया गया है, जो सोचे तो अच्छा है पर मेरे लिए वो भी वर्क नहीं किया। साथ ही मूवी की लाइन लगभग 2 घंटे 15 मिनट की, जो मेरे लिए आसमान छूने से कम नहीं थी। मतलब थिएटर में यही सोच रहा था कि भगवान कैसे भी मूवी खत्म करवा दो, मैं बीच में भी उठकर आ सकता था। पर फिर लोग कहते आधी अधूरी मूवी का रिव्यू कर रहा है। बाकी मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, मसूरी और यूरोप घूमने का मौका मिल जाता है। बाकी मूवी में सॉन्ग्स भर भर के स्टार्टिंग के 25 मिनट में ही 3 सॉन्ग आ जाते हैं, जो रोमांस ड्रामा टाइप की मूवीज में होते ही है, जिसकी मुझे तो कोई जरूरत नहीं लगी। बाकी बीजीएम अच्छा था, तो ओवरऑल मेरे लिए मूवी डिसेंट ही रही, जिससे मैं बहुत उम्मीद करके बैठा था पर सब पर पानी फिर गया। बाकी मूवी की एडिटर वैल्यू मेरे लिए ना के बराबर ही रही। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4/10। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।